नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर अवर टाइप नंबर 5. ओके, टाइप नंबर 5 बहुत अच्छा है. उसके बाद होगा टाइप 6 और हमारा शॉर्टकट मेथड ख़त्म होगा. ठीक है, सो नाउ टाइप नंबर 5. अगर वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स इंटू वी अगर आता है, अगर आपके सामने वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी के फॉर्म में एग्जाम्पल आता है टाइप नंबर 5, हाँ, तो करना क्या समझ लो, ई रेस टू एक्स को आगे लेना, ई रेस टू एक्स को आगे लेना, ई रेस टू एक्स को आगे लेना, ठीक है, इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वी, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी होता है, ई रेस टू एक्स को आगे लिया, ठीक है, और डी की जगह पर क्या रखेंगे, डी प्लस ए, कौन सा है, ये वाला है, डी प्लस ए, 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 ठीक है, वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स में आएगा वी का वैल्यू. नाउ ये जो मैंने आपको बताया ये इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं, नोट आप लिख सकते हैं, यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आउट ऑफ विच वन इज e raised to x, out of which one is e raised to x, out of which one is e raised to x. Okay, चलो बोलेंगे. देखो याद होना चाहिए, बार 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 करने से याद होता है, ठीक है, याद ही क्यों, ये मैथ है, ये फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला याद है तो अप्लाई जल्दी से करते आता है, ठीक है, हम रिकॉल जल्दी कर पाएंगे, वही है इसके पर्पस का मकसद होता है. और लिखने से अगर याद करोगे तो आपका लिखने का स्पीड बढ़ता है. और सिर्फ ये इम्पैक्ट मैथ में नहीं होता है, ये इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट में क्रिएट होता है, ठीक है. चलो बोलेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी, आप जा बैठे हो वही बोलो तो भी चलेगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी अगर होगा तो ई रेस टू एक्स आगे, ई रेस टू एक्स आगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी इज ई रेस टू एक्स आगे, ई रेस टू एक्स आगे इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आउट ऑफ विच वन इज ई रेस टू एक्स. अभी ये जो है देखो, ये दो है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, ई रेस टू एक्स. जब ऐसा होगा तो आप ये लगा दोगे, कैसे करोगे फिर से बता रहा हूँ, कैसे करोगे, ई रेस टू एक्स को आगे लेना, लिया, फिर जो डी रहेगा वो डी के जगह पर क्या रखना, डी प्लस ए एंड मल्टीप्लाई बाई बी, तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है, शुरुआत यही से है, क्लियर. और एक बार बोल रहा हूँ, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी अगर होता है ई रेस टू ए एक्स, वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आउट ऑफ विच वन इज ई रेस टू एक्स. ओके, चलो लिखेंगे आप लोग वहाँ पर नोटबुक में लिखोगे या आपके पास कुछ पेजेस होंगे वहाँ पर लिखोगे, लिखोगे, चलो स्टार्ट करो, एक बार लिखो, तीन बार लिखो, पाँच बार लिखो, दस बार लिखो, जब तक याद नहीं होता तब तक लिख लो.
हो गया, लिखा है, चलो आगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर ऑफ वाई, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू e रेज टू 2x इंटू x रेज टू 4 इज, e रेज टू 2x इंटू x रेज टू 4 इज। ठीक है, चलो देखो, स्टेप वन, पी आई, पी आई का फॉर्मूला क्या रहता है, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो वन अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स, एक्स रेस टू फोर, ऐसे बराबर है। कौन सा आ रहा है, देखो वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी आ रहा है, ई रेस टू एक्स आगे लेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी की जगह पर डी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वी होगा, ऐसे था ना। सो पुट क्या करोगे, पुट डी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो डी अभी ए कौन दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है, राइट। सो क्या लिखूंगा, डी प्लस टू, सो बिफोर दैट ई रेस टू टू एक्स आगे आएगा, और डी की जगह पर क्या रखोगे, डी की जगह पर क्या रखोगे, डी प्लस टू, जहाँ जहाँ डी वहाँ वहाँ डी प्लस टू, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर, डी की जगह पर डी प्लस टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू फोर आ रहा है। अभी इसे देख के आपको याद आना चाहिए क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर होता है, सो वी आर गोइंग टू राइट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। सो नाउ ई रेस टू टू एक्स वन अपॉन ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर आया, सही है। अभी माइनस फोर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, बोलो दिस विल बी माइनस फोर डी, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट प्लस फोर इंटू एक्सेस टू, राइट। अभी प्लस फोर डी माइनस फोर डी जा रहा है, फोर प्लस फोर एट, एट माइनस एट ज़ीरो, मतलब वो सारे चीज़ें कैंसिल। ठीक है, अभी बचता क्या है, वन अपॉन डी स्क्वेयर इंटू एक्स एस टू फोर बचता है, सही है। अभी अगर आपको याद है टाइप नंबर फोर हमने देखा, बराबर, टाइप नंबर फोर में हमने क्या याद किया, ऑलवेज टेक अ कॉन्स्टेंट टर्म एज ए कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, लेकिन जब कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा तभी कॉमन निकालोगे ना, यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव कुछ नहीं है उसके साथ, तो नहीं निकल सकता। दूसरा, आपने ऐसा बोला था कॉन्स्टेंट टर्म इज एबसेंट देन टेक मिनिमम पावर ऑफ डी, लेकिन यहाँ पर डी स्क्वेयर एक ही है, कंपैरिजन कब होता है, जब उसके साथ और छोटा डी रहेगा या उससे बड़ा डी क्यूब रहेगा, तो आप करोगे ना। सो नहीं लगता, टाइप नंबर फोर नहीं लगता, तो नहीं लगता तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, आंसर आता है अगर आपने अच्छे से याद किया है। हमने जनरल मेथड देखा था, अगर वन अपॉन डी फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन डी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिखते तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जाता है, राइट। तो एक डी है तो एक बार इंटीग्रेशन, दो डी है तो दो बार इंटीग्रेशन, और आंसर हो गया, दो बार है ना तो डबल इंटीग्रेशन, एक्स इज टू फोर, ओके डी एक्स, और फिर उसे डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं आप। तो पहली बार ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको जुगाड़ बोला था मैंने, क्या मन में ये कट मारना और ये कट मारना, एक्स एस टू फोर इंटू एक्स कितना रहेगा, देखो ई रेस टू टू एक्स लिखा, ये इंटीग्रेशन लिखा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है, एक्स एस टू फोर इंटू एक्स, एक्स एस टू कितना होगा, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इंटू ये लिखा मैंने डी एक्स, ओके फाइव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आता तो ई रेस टू टू एक्स अपॉन फाइव बाहर आया, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है एक्स एस टू फाइव इंटू डी एक्स, ऐसे दिख रहा है। नाउ देखो अभी फिर से
ई रेस टू 2x लिखा, डिवाइड बाय 5 लिखा, क्या होगा देखो मन में, ये कट मारो ये कट मारो, x रेस टू 5 इंटू x कितना होगा, x रेस टू 6 होगा, डिवाइडेड बाय 6 ऐसा आ सकता है, बराबर है। तो ओवरऑल पी आई इक्वल टू क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू x रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 5 6 30 एंड दैट इज द आंसर। लिखो चलो डन एवरीबडी, एक बार बता रहा हूँ और फिर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएँ, ठीक है। जिनको कुछ अंदर अटक गया होगा, कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया होगा तो देख लो, वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 4 ई रेस टू 2x इंटू एक्स रेस टू 4, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू 2x इंटू वी आर आई ई रेस टू 2x इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी आर आई, पुट डी की जगह पर डी प्लस है डी प्लस 2 हो रहा है, ई रेस टू 2x लिखा, वन अपॉन डी प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 2 प्लस 4 ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ई रेस टू 2x पहले लिखा, डी प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 4 डी प्लस 4 माइनस 4 डी माइनस 8 प्लस 4 एक्स रेस टू 4 आ रहा है, ई रेस टू 2x लिखा, वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 4 इतना ही बच रहा है, वन अपॉन डी फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। सो अभी देखो जितने डी उतने इंटीग्रेशन ना, तो डी क्यूब हुआ तो सर तो तीन बार इंटीग्रेशन ले, ओके सो डबल इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 डी एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है। अभी जुगाड़ है अच्छे से लर्न है इंटीग्रेशन तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर समझ लो इंटीग्रेशन कट मारना, ये कट मारना एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स एक्स रेस टू 5 एक्स रेस टू 5 लिखा, वही 5 को नीचे कर दो, ठीक है। पांच बार निकालो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5 डी एक्स, इंटीग्रेशन डी कट एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स एक्स रेस टू 6 एक्स रेस टू 6 अपॉन 6, तो ई रेस टू 2x इंटू एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 5 जा 30 दैट इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ू।
अगला सेकेंड एग्जाम्पल, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इज बताओ। ठीक है, देखो पुट क्या करोगे, पुट कैपिटल डी स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, कैपिटल डी इक्वल टू छोटा डी अपॉन डी एक्स आएगा, सो दिस इज डी स्क्वेयर वाई होगा राइट प्लस, जिनको ये जजमेंट नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग की पूरी सीरीज देखो आपको वहाँ पता चल जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस इन टू कॉस एक्स, कॉमन को निकल रहा वाई वाई वाई, ये रिविज़न हो रहा है जो स्टार्टिंग से बैठे उनको, डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन और बाहर को निकला वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स आया। ठीक है, नाउ कौन से फॉर्म में आ रहा है, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में हो गया, सही है। स्टेप नंबर वन, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, सो वन अपॉन एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, सही है। बोलो कौन सा आ रहा है, अभी अभी डायरेक्ट आना चाहिए, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी आ रहा है, बराबर है। पुट क्या करेंगे सर, पुट डी इक्वल टू डी प्लस ए, ओके डी लिखा, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है माइनस वन, सो डी माइनस वन। नाउ सो ई रेस टू माइनस एक्स आ गया है वन अपॉन डी माइनस वन, डी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू डी माइनस वन प्लस वन इन टू कितना आ रहा है कॉस एक्स, ध्यान दोगे अभी इसे देख के याद आना चाहिए कौन सा है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर आ रहा है, सो दैट इज ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये कुछ नहीं है एज इट इज, सिर्फ जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा ये और ये अंदर ब्रैकेट, सो दिस इज ए रेस टू माइनस एक्स वन अपॉन क्या होना है डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन प्लस टू इंटू डी टू डी टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन इंटू कॉस एक्स आ रहा है, माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसल, वन प्लस वन टू एंड माइनस टू कैंसल, सो वी आर गेटिंग ई रेस टू माइनस एक्स वन अपॉन डी स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये देख के आपको याद आता है टाइप नंबर टू, इवन आप जनरल मेथड का टाइप जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो लेकिन टाइप टू करोगे तो रिविजन हो जाएगा। क्या था टाइप टू, वन अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, ध्यान दो लिखने के चक्कर में मत रहो, डी स्क्वेयर की जगह क्या होता है माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे होता है, सही है ना, ऐसे होता है। सो पुट क्या करेंगे, पुट डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए कौन है वन, वन का स्क्वेयर कितना आ रहा माइनस वन, तो रख देता हूँ मैं, रखूँगा तो वैल्यू क्या आएगा, देखो ई रेस टू माइनस एक्स वन अपॉन माइनस वन इंटू कॉस एक्स होगा, सो पी आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज द आंसर, लिखो आपका आया होगा वेरी गुड, नया होगा ट्राई करो।
मान लो किसी को लगता है कि मुझे टाइप नंबर टू नहीं लगाना, हो सकता है ना ऐसा किसी को लगेगा, तो इसका आंसर यही आएगा क्या? यही आएगा भाई, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ बता रहा हूँ। तरीके बहुत होते हैं आंसर लाने के, सारे सही होती है। ई रेस टू माइनस एक्स, ये क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स ऐसे होगा। सो ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स, दिस इज डी एक्स। सो अगेन ई रेस टू माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो वही हो गया, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, सही है। तो तरीके हैं बहुत सारे। ओके, अगला एग्जांपल, थर्ड। पीआई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू e raised to minus 3x into x raised to minus 3 is start। मैं भी आपको करना है, स्टार्ट करो, कोशिश करो, कितना आता है, कैसे आता है, लेट्स सी। अभी आपको एग्जाम्पल सिखा के जाएगा कि डी की जगह पर क्या रखेंगे। ए आपको आना चाहिए, ए क्या था, तो आपका काम अच्छे से बनना है। स्टेप वन, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू